राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन में बढ़ाई हिस्सेदारी, दिसंबर 2019 के बाद पहली बार खरीदे कंपनी के शेयर। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिला दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। HDFC बैंक छोटे कारोबारों को देगा लोन, महामारी में हुए नुकसान से रिकवरी में मदद करना है मकसद। EPFO के तहत सब्सक्राइबर की तादाद में हुई बढ़ोतरी, अगस्त तक हुए 14.81 लाख सब्सक्राइबर। पेट्रोल डीजल के रेट में फिर हो गया बड़ा इजाफा, देश में पहली बार पेट्रोल 120 और डीजल 110 के पार। RIL फ्यूचर डील में आया बड़ा अपडेट, Amazon के साथ विवाद में फ्यूचर रिटेल की बड़ी मुश्किलें। बिजली घरों में कोयले की कमी बरकरार, 4 दिन से कम कोयला भंडार वाले संयंत्रों की संख्या हुई 61। फ्लाइट और समुद्री जहाजों में भी कर सकेंगे कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल, BSNL को मिला ये लाइसेंस। पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने लगाया 1 करोड़ का पेनल्टी, नियम नहीं मानने पर वेस्टर्न यूनियन पर भी लगा जुर्माना। T20 कप जीतने वाली टीम को मिलेगा 12 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा IPL में 10 खिलाड़ियों का फीस। व्यापारियों के लाभ के लिए रेलवे ने बढ़ाए कदम, पुराने गुड सेट के विस्तार के साथ साथ खोले जा रहे हैं नए गुड सेट। सरकार बना रही है सरकारी और निजी रिफाइनरी कंपनियों का समूह, देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करना है मकसद। इंडसइंड बैंक ने डेबिट कार्ड पर शुरू की EMI की सुविधा, 24 महीने तक भुगतान का मिलेगा मौका। लगातार दूसरे दिन टूटा IRCTC का शेयर, निवेशकों को मिला 30,000 करोड़ का झटका। त्योहारी सीजन में फिर बढ़ने लगे हैं सोने चांदी के दाम, सोना 162 रुपए महंगा होकर 47,500 के पार। खुद की रिब्रांडिंग करने की तैयारी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आने वाले दिनों में फेसबुक बदल सकता है अपना नाम। पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस पर भी लगी पेनल्टी। यूनिकॉर्न की रेस में दूसरे पायदान पर भारत, चीन कनाडा UK जैसे देशों को पीछे छोड़ जुटाए रिकॉर्ड फंड। सेबी का बड़ा फैसला, जॉइंट होल्डर में किसी की मौत पर जीवित होल्डर को ट्रांसफर होंगे सारे शेयर्स। सरकार को इस साल 5 CPSE से डिविडेंड के रूप में मिले 814 करोड़ रुपए, NTPC और PGCIL से मिले करीब 2600 करोड़।